मसूम नर्सिंग क्लासेस। तो आज की हमारा जो न्यू वीडियो है वो हमारा 29 मार्च आफ्टरनून का जो पेपर है, मतलब सेकंड शिफ्ट का जो सीएचओ का क्वेश्चन पेपर है, उसका पर हम आंसर की लेके आए हैं। तो यहाँ हम देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्लूड रिप्रेजेंट द 2/3 ऑफ टोटल बॉडी वेट। तो इसका आंसर होगा इंट्रासेलुलर फ्लूड। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, द कैविटी कंटेंट द यूनरी ब्लैडर यूटरस प्रोस्टेट एंड रेक्टम। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा पेल्विक कैविटी। नेक्स्ट हम देखते हैं, वेयर आर लिम्फोसाइट्स फॉर्म। तो लिम्फोसाइट्स फॉर्म तो वोन मैरो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग मसल रिलैक्सेशन द डेस्क कवर द एक्टिव साइट ऑन एक्टिन। तो इसका आंसर होगा ट्रोपोमायोसिन। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर व्हेन स्मॉल डिफेक्ट इन द मसल्स ऑफ द वॉल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन और कोलोन अलाउ स्मॉल पॉकेट्स और पाउस टू फॉर्म। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा आंसर जो होगा डायवर्टिकुलोसिस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी सिस्टम इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग हीमोस्टेसिस। तो जो हमारा इसका आंसर हो जाता है एंडोक्राइन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम डज अ हार्ट बीट लास्ट? अबाउट 0.8 सेकेंड। नेक्स्ट, विच इक्वेशन इज करेक्ट फॉर स्ट्रोक वॉल्यूम, मतलब एस बी। तो एस बी इज इक्वल टू ई डी वी माइनस ई एस वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ नेफ्रोन हैव शॉर्ट लूप ऑफ हैनले दैट डू नॉट डिफ फार बियॉन्ड द कॉर्टेक्स। तो इसका जो आंसर होगा कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। नेक्स्ट, वॉट डज द सीलियरी बॉडी इन द आई डू चेंज द शेप ऑफ द लेंस टू फोकस लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच स्टेट ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल DTM इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट रिजल्टिंग इज स्टेबलाइज्ड पॉपुलेशन स्टेज 4th। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव वन चाइल्ड पॉलिसी? चाइना। नेक्स्ट, व्हाट डज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी कंसर्न विथ? तो इसका जो आंसर होगा एक्सप्लेन द चेंज इन बर्थ एंड डेथ रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा क्लासिफिकेशन मेथड क्लासिफाइड डाटा बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाटा? निम्नलिखित में से किस प्रकार की सांख्यिकी डेटा वर्गीकरण विधि डेटा की वर्णात्मक विशेषताओं के आधार पर डेटा को वर्गीकृत करती है? तो इसका जाएगा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। ये रिसर्च का क्वेश्चन पूछ लिया गया। इन द हेल्थ रिसर्च विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टैटिक्स इज कंसर्न विथ मेकिंग प्रेडिक्शन इन्फ्रेंस एंड जनरलाइजेशन अबाउट आ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन सैम्पल डाटा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इन्फ्रेंटल स्टैटिक्स अनुमानिक आंकड़े। नेक्स्ट हमारा कम्युनिटी हेल्थ एपिडेमियोलॉजी एंड डिसीज प्रिवेंशन पर यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पर भारत के वर्तमान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो श्री मनसुख एल मंडाविया हैं। नेक्स्ट, रोग निगरानी में खालिस्तान शामिल है? डेटा का क्रमबद्ध संग्रह और विश्लेषण। अधिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 2021-22 में स्वास्थ्य सेवा पर सरकारी व्यय कितना था? तो GDP का 2.1%। महामारी विज्ञान त्रय या महामारी विज्ञान त्रिकोण यह समझाने के लिए एक पारंपरिक मॉडल है कि संक्रामक रोग कैसे उत्पन्न और प्रसारित होते हैं। खालिस्तान को छोड़कर निम्नलिखित में से सभी महामारी विज्ञान त्रिकोण के भाग हैं। तो उपचार को छोड़कर ये सारे हमारे महामारी विज्ञान त्रिकोण के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ एन इलनेस? तो इसका जो हमारा क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी की प्राथमिक रोकथाम का एक प्रकार है? तो संयम के अंदर शराब, मॉडरेट ऑफ एल्कोहल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ट्रू लेवर कॉन्ट्रैक्शन? इसका आंसर होगा फॉल फर्स्ट इन लोअर बैक एंड स्वीप अराउंड टू द एब्डोमन इन अ वेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टर्म डिस्क्राइब द इंटरमिटेंट पेनफुल यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन विच आर ऑफन रिफर्ड टू एज फॉल्स लेवर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? तो आंसर हमारा आ जाएगा ब्रॉक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन? तो इसका आंसर होगा डोपामाइन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभि धमनी डॉपलर वेग गति में प्रंकुचित प्रभाव में कमी क्या दर्शाती है? तो अपरा संबंधी प्रतिरोध में वृद्धि मतलब इंक्रीज प्लेसेंटल वैस्कुलर रेसिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुओं को दूध के अलावा अन्य तरल पदार्थ देने के संबंध में माताओं के बीच में प्राथमिक गलत धारणा क्या है? यह उनकी धारणा है यह उदरशूल और शिशु की गैस जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करता है। ये धारणा गलत है। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मातृ स्थिति गर्भावस्था के दौरान संभावित रूप से भ्रूण को विकास को धीमा कर सकती है? तो हाई ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट, खालिस्तान लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए गुर्दे द्वारा उत्पादित एक हार्मोन है, यह माँ और भ्रूण में समान ऑक्सीजन स्तर सुनिश्चित करता है, तो इसका आ जाएगा एरिथ्रोपोएटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्यूनाइजेशन इजेंट टिटनेस इमिडिएटली आफ्टर द कन्फर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज अ टाइप ऑफ डेस्क केयर एंटीनेटल केयर। गर्भावस्था की पुष्टि के तुरंत बाद टिटनेस के विरुद्ध टीकाकरण एक प्रकार की प्रसवपूर्ण देखभाल है। विच वैक्सीन इज प्राइमरली गिव अ चिल्ड्रन टू प्रिवेंट ट्यूबरक्लोसिस? तो इसका आंसर होगा BCG। नेक्स्ट, इन्फेंट अंडर गोइंग कार्डियक सर्जरी रिक्वायर्ड मेटिकुलस प्री ऑपरेटिव असेसमेंट ऑफ देयर हीमोडायनोमिक एंड दस डिहाइड्रेशन मस्ट बी अवॉइडेड इस पेशेंट। हीमोडायनेमिक मीन्स डायनेमिक ऑफ ब्लड फ्लो। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च इन इंडिया? 1985। नेक्स्ट, वॉट इज द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिलेड इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फूड? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। मतलब पूरक खाद्य पदार्थ को देरी से शुरू करने का संभावित परिणाम क्या है? आयरन की कमी से अरक्तता। नेक्स्ट, WHO एंड यूनिसेफ रिकमेंडेड दैट चिल्ड्रन इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग विद इन द बर्थ फर्स्ट आवर। नेक्स्ट, वॉट इज द रिकमेंडेड पीरियड फॉर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग वाई WHO? 6 मंथ। मतलब WHO द्वारा केवल स्तनपान के लिए अनुशंसित अवधि क्या है? 6 मंथ ही है। वॉट इज द WHO रिकमेंडेड टाइम लाइन फॉर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग? तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम क्या है? ये भी 6 मंथ होगा। नेक्स्ट, द पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम द क्लीन अप डैमेज सेल इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ये इम्यूनाइजेशन का हमारा क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट, विच वैक्सीन इज कॉमनली रिकमेंडेड फॉर ओल्डर एडल्ट टू प्रिवेंट सिंगल्स? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा सिग्रिक्स वैक्सीन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनएक्टिवेटेड वैक्सीन? वेरिसेला वैक्सीन। निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय टीके का उदाहरण है? तो वेरिसेला टीका जो है वो निष्क्रिय में आता है। एट वॉट एज इज द DTaP वैक्सीन टाइपिकली एडमिनिस्टर्ड टू चिल्ड्रन? 2 मंथ, 4 मंथ एंड 6 मंथ। नेक्स्ट, इन टाइप सेकेंड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन विच मैकेनिज्म लीड टू टिश्यू डैमेज एंटीबॉडी मीडिएटेड सेल डिस्ट्रक्शन? नेक्स्ट, हाउ इज द फंक्शनल डिसऑर्डर ट्रीटेड इन एडोलेसेंस? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्यूपेशनल थेरेपी। नेक्स्ट वन, विच अप्रोच इज कॉमनली यूज इन मैनेजिंग एंजाइटी डिसऑर्डर इन एडोलेसेंस? तो यहाँ पर आ जाता है हमारा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट इज द डेली कैलोरीज रिक्वायर्ड फॉर एन एडोलेसेंस फीमेल? तो अप्रॉक्स 2200 कैलोरीज पर डे। नेक्स्ट, किशोरों में चोट लगने का एक सामान्य कारण क्या है? असुरक्षित ड्राइविंग प्रथाएं। नेक्स्ट, किशोर परामर्श में कौन सा चिकित्सीय दृष्टिकोण भारतीय जीवन के अनुभवों से अचेतन संघर्षों और अनसुलझे मुद्दों की खोज पर केंद्रित है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, स्वास्थ्य का पहलू उस संतुष्टि और समृद्धि को स्वीकार करता है जो काम किसी व्यक्ति के जीवन में लाता है। तो इसका आ जाएगा व्यावसायिक। महिला नसबंदी की विफलता में संबंधित संभावित जोखिम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अस्थानिक गर्भावस्था एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नेक्स्ट, द डैश प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाय स्टॉपिंग द ओवरीज फ्रॉम रिलीजिंग एन एग ईच मंथ वेजाइनल रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू द स्पर्म गो आफ्टर वैसिकटॉमी? दे गेट रीअब्सॉर्ब्ड इनटू द बॉडी।
पुरुष नशबंदी के बाद शुक्राणु कहाँ जाते हैं, वे शरीर में पुनः अवशोषित हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट्स कॉज मलेरिया, तो इसका क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम पैरासाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज ऑल्सो नोन एज ब्रेक डाउन फीवर, डेंगू, मतलब बीमारी के अस्थि भंजन बुखार के नाम से जाना जाता है वो डेंगू है। वॉट इज द कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ क्यू फीवर, तो इसका हो जाएगा कॉक्सिएला वर्निटी, मतलब कॉक्सटफ वर्निटी, ये जो हमारा आंसर हो जाता है, बुखार का कारक जीव कौन सा है, क्यों बुखार का कारक। नेक्स्ट वन इज निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी रोग है जो लसिका पर्व या लसिका बहिकाओं को प्रभावित करता है, तो इसका हो जाता है फाइलेरिया। निम्नलिखित में से कौन सा रोग खाद्य जनित रोग नहीं है, मलेरिया। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेबीज के संचरण के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो एक सांप होगा, बाकी सारे हमारे रेबीज को संक्रमित कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं शिंगा विष द्वारा उत्पादित होता है, तो एसरकिया कोलाई, या वही हो जाता है हमारा, ये जो हमारा शिंगा विष है द्वारा उत्पादित होता, खालिस्तान द्वारा उत्पादित होता, तो एसरकिया कोलाई द्वारा होता है।